वेलकम स्टूडेंट, आप सभी लोगों का द्विवेदी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स के बारे में। आखिर जो मैंने मेरिस्टेम्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा बहुत जो भी दो वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, तो फिर उसमें ये टॉपिक जो है कवर करना रह गया था कि कैसे मेरिस्टेम्स को क्लासिफिकेशन किया जाता है, कैसे मतलब उनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरिस्टेम्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम में, द मेरिस्टेम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। इनको लोकेशन के आधार पर, लोकेशन का मतलब होता है इनकी स्थिति, जहां पर ये पाए जाते हैं उसी के आधार पर इनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले एपिकल, लेटरल और इंटर कैलेरी। तो हमारे पास में तीन पार्ट हो गए इसके, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलेरी। तो इनको हम समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे एपिकल पार्ट को। तो एपिकल जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो आखिर क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। दीज आर लोकेटेड एट द एपिसिस, एपिसिस ऑफ द रूट एंड द सूट। जैसे मान लो कि रूट होता है आपका जड़ और सूट होता है किसी पौधे का किल्ला, सूट जो निकलता है, किल्ला जो निकलता है। जैसे आपने कोई बीज बो दिया, तो बीज बोने के बाद में जो हरा हरा जमीन से ऊपर आता है वो कहलाता है सूट, और जो अंदर चली जाती हैं जमीन के अंदर वो कहलाती हैं जड़, रूट कहलाती हैं। तो रूट के और सूट के पॉइंट पर, यहाँ बिल्कुल चोटी पर, एपिक्स, अपेक्स पर ये पाया जाता है। कौन आपका? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और अब इसका काम क्या है? These meristems bring about an increase. ये क्या करता है? Increase कर देता है उसको, increase in length of the plant body. तो plant body की length में increasement लेकर के आता है। कौन? Apical meristem. And are also known as the growing point. और इसको growing point के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये बढ़ने में मदद करता है और पॉइंट वाले हिस्से पर, अपेक्स पर, चोटी पर ये पाया जाता है, इसलिए इसे ग्रोइंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वो हिस्सा, वो पॉइंट जहां से प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, ग्रोइंग पॉइंट नाम दे दिया। अगला आता है आपका लेटरल मेरिस्टेम्स। दीज आर कंपोज्ड ऑफ द सच इनिशियल सेल। ये उन इनिशियल माने प्रारंभिक सेल के मिलकर के बने होते हैं। इनिशियल का मतलब होता है प्राथमिक सेल या प्रारंभिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। विच डिवाइड मेनली, जो मुख्य रूप से डिवाइड होते हैं इन द बन प्लेन, जो सिर्फ एक बन प्लेन में ही डिवाइड होते हैं। और कैसे डिवाइड होते हैं? पेरिक्लिनली, पेरिक्लिनली, पेरिक्लिनली का मतलब होता है कि इस तरह से डिवाइड होना, जो सरफेस है ना उसी के पैरेलल में डिवाइड हो जाना। अब जैसे मान लो कि सरफेस आपका प्लांट की बॉडी का यहाँ पर है इस तरह से, तो ये ऐसे ही डिवाइड होगा, इसमें पोर्शन बनेंगे वो भी पैरेलल बन जाएंगे, इसी सरफेस के पैरेलल बन जाएंगे प्लांट में। तो पेरिक्लिनली ये डिवाइड होते हैं। दीज हेल्प इन इंक्रीज द गर्थ। ये दरअसल क्या होता है, डायमीटर बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जैसे प्लांट होता है तो उसकी जो चौड़ाई बढ़ती है, जैसे मान लो अभी प्लांट इतना चौड़ा था, फिर ये बढ़ करके इतना चौड़ा हो गया, तो प्लांट का जो डायमीटर है ये, इसे पढ़ते हैं डाई अमीटर। तो डायमीटर बढ़ने में ये मदद करता है। कौन मदद करता है? आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की वजह से पौधे का जो तना होता है वो चौड़ा हो जाता है, तो गर्थ बढ़ाने में मदद करता है प्लांट ऑर्गेन्स की। दीज ऑक्यूपाई लेटरल पोजीशन इन द रूट। तो रूट में जो जड़ें होती हैं उनमें ये लेटरल पोजीशन अपनी बना के रखता है, लेटरल पोजीशन को ये घेरे रहता है। एंड स्टेम, तने में ही ये लेटरल पोजीशन में ही पाया जाता है। कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। तो दो तरह के एग्जाम्पल है, तो कैम्बियम आपका और कॉर्क कैम्बियम, ये एग्जाम्पल है किसके? लेटरल मेरिस्टेम्स के। अब आता है आपका इंटर कैलेरी मेरिस्टेम। इंटर कैलेरी में क्या है? दीज आर मीरली द पोर्सन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम के ही पार्ट होते हैं, विच हैव बीन द सेपरेटेड, जो बाद में अलग हो जाते हैं फ्रॉम द अपेक्स, चोटी, इसी के पार्ट होते हैं और यहाँ से अलग हो जाते हैं। जैसे ये तो पार्ट, पोर्शन जो है अपना ग्रो करने का काम कर रहा है, ये ऊपर चला जाता है, और जो रह गया नीचे पार्ट ग्रो करके, मान लो ये इतना बढ़ गया, पहले चोटी यहाँ थी तो यहाँ पर पार्ट छूट जाएगा उसका, तो यहाँ पर जो छूट गया वो किसका रूप ले लेता है, यहाँ जो पार्ट छूट गया वो रूप ले लेता है इंटर कैलेरी मेरिस्टेम का।
तो दीज आर मेनली द पोर्सन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम के पोर्सन होते हैं, विच हैव बीन सेपरेटेड, जो अलग हो जाते हैं फ्रॉम द अपेक्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, विकास के दौरान, जैसे प्लांट ऊपर विकास करता है उसी समय ये अलग हो जाते हैं, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है ऊपर की तरफ तो उसी समय ये अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद में इन्हें फिर हम पढ़ते हैं क्या, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम्स के नाम से इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनके नाम से हम इन्हें जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम्स के बारे में, ठीक है। अगर इसका फिगर देखना है आपको तो पहले तो स्क्रीन पे मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, मैं इधर साइड से आप हो जाता हूँ, यहाँ देख सकते हो ये फिगर आपका आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तीनों पार्ट यहाँ से हो रहे हैं, आप देख सकते हो इन तीनों पार्ट्स को, और अच्छे से अगर जानना है कि कौन सा पार्ट कहाँ है, मैंने थोड़ा समझाया भी है, तो वीडियो नंबर जो इसकी पहली पार्ट की जो वीडियो है, इसकी क्लासिफिकेशन से पहले की वीडियो है, वो आपको देखनी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टडी के साथ, पढ़ने के साथ, वीडियो देख करके जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप रिवीजन के तौर पर मान लो कि आप टाइम नहीं दे पा रहे रिवीजन के लिए, लिखे हुए जो मान लो आपने लिखा हुआ है उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे बार बार, तो आप एक काम कीजिए कि इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए या देख लिया करिए, तो जिससे क्या है कि आपका रिवीजन हो जाया करेगा। रिवीजन होने से फ़ायदा ये है कि हमारा जो दिमाग होता है वो एक बार में चीज़ों को याद नहीं करता, तो हमें ज़रूरी होता है कि चीज़ को बार बार रिवाइज करें। तो रिवाइज करने के लिए आपको सबसे बढ़िया, अब तो नेट है आपका, आराम से मोबाइल पे वीडियो देख करके रिवाइज कर सकते हैं, तो रिवाइज करिए। जब मैं पढ़ता था तो इन सारी चीज़ों का साधन नहीं था, अब तो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी हो चुकी है, बढ़िया टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो इसके चलते आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम देखेंगे बर्ड मीनिंग जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बर्ड मीनिंग है आपका लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है स्थान से। क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत करना, ठीक है। मेरिस्टेम इसका नाम होता है ऑन द बेसिस के आधार पर। ऑन द बेसिस का मतलब होता है कि आधार पर, ठीक है। दीज मतलब होता है ये, लोकेटेड मान स्थित होते हैं। एपिक्स का मतलब होता है, एपिसिस का मतलब होता है चोटी पर। ब्रिंग अबाउट पूरा करना, घटित करना भी होता है, ठीक है। तो इनका काम होता है क्या, पूरा करना, लेंथ को पूरा करना, लेंथ को बढ़ाना, ये सब काम होता है। अच्छा, लेटरल का मतलब होता है पार्श्विक। अब पार्श्विक क्या होता है, पार्श्विक का मतलब होता है जैसे कि मान लो हमने कोई चीज इस तरह से रखी और इसको ऐसे काट दिया, तो इसको बोलते हैं लेटरल कटिंग, पार्श्विक कटिंग पढ़ेंगे इसको, हिंदी में पार्श्विक कहा जाता है। कटिंग का मतलब होता है काटना, ठीक है। मेनली होता है मुख्य रूप से, और ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना या फिर होता है कब्जा करना, ठीक है। कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम पेड़ की बाहरी छाल होती है, ठीक है। क्या होती है, पेड़ की बाहरी जो छाल होती है, पेड़ पौधे होते हैं उनकी बाहर की जो छाल होती है उसको हम पढ़ते हैं कैम्बियम। मेर MERELY, मेरली का मतलब होता है केवल या सिर्फ या ही, ये तीन मीनिंग इसके होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मैंने जरूरी वाले हैं, केवल, ही और सिर्फ, ये हो सकते हैं, ठीक है, वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। मेरिस्टेम सेपरेटेड का मतलब होता है अलग। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, DURANG, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। अगर नहीं दिख रहा आपको तो DURANG ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है, उधर लास्ट में ये लिखा हुआ है डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है विकास, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग थे। कंपोज्ड ऑफ से बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ से बने होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं, तो इसलिए अगर इसको अच्छे समझना है तो वोकैबुलरी का साथ साथ तैयार करना, वर्ड मीनिंग का साथ साथ तैयार करना, और खुद सेल्फ मतलब अपने आप ही समझना बहुत जरूरी होता है। तभी कोई चीज ढंग से याद हो पाती है जब हम उसको समझ लेते हैं, और साथ में जब वोकैबुलरी हमारी तैयार होती है तो हमें चीजों को रटना नहीं पड़ता है,
हम ठीक हिंदी की तरह उसको समझ करके लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपकी वैकुलरी अच्छी बनी रहे, इसलिए बार बार मैं बीच बीच में बड़ी मीनिंग लिखता हूँ, जिससे क्या है कि आपको अच्छी तरीके से वैकुलरी आपकी तैयार होती रहे साथ साथ पढ़ने के। ठीक है, तो अभी हम इसमें वीडियो में और भी पढ़ेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। अब हम लोग समझेंगे फंक्शन के बारे में, आखिर ये मेरिस्टेम किस तरीके से प्लांट की बॉडी के अंदर काम करते हैं, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके फंक्शंस के बारे में, और आओ इसको पढ़ते हैं कि आखिर मेरिस्टेम क्या काम करते हैं, इसके अंदर प्लांट बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेम हमने डाला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरिस्टेम आर एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। मेरिस्टेम जो होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग, ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं, ये लगातार डिवाइड होते हैं, और इसी वजह से इनको डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, किसका, प्लांट का। तो मेरिस्टेम जो है वो किस तरह के टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू है। तो मेरिस्टेम आर एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट, एक्टिवली डिवाइडिंग, एक्टिव का मतलब होता है हमेशा सक्रिय रहना, तो ये हमेशा सक्रिय रहते हैं, हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। अब आता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ द ग्रोथ। दे आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार होते हैं, किस बारे के लिए, ये जो जितनी भी तरह की प्लांट में ग्रोथ होती है, जितनी भी तरह की प्लांट में लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, पत्तियों का बढ़ना, पत्तियों का नया पत्तियों का आना, जो भी ग्रोथ से संबंधित, प्लांट की ग्रोथ से संबंधित है, वो सब इन्हीं की वजह से होता है। इनकी वजह से होता है आपका मेरिस्टेम्स की वजह से। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ द ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम कॉज ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो एपिकल जो मेरिस्टेम होते हैं उन्हीं की वजह से ग्रोथ होने लगती है लेंथ में, किसके, प्लांट की लंबाई में। तो एपिकल, फिर से ध्यान देना, एपिकल की वजह से प्लांट की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है कॉज ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है, कॉज मतलब होता है कारण। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कॉज द ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लीव्स एंड द ट्यूब्स। तो इंटर कैलरी जो होते हैं आपके, इंटर कैलरी की वजह से, इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से कॉज द ग्रोथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लीव्स एंड द ट्विग्स। तो नई जो पत्तियां हैं, नई जो टहनियां जो आती हैं, वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से आती हैं। किसकी वजह से आती हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से पौधों के ऊपर नई पत्तियां और नई टहनियां बनती हैं। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम्स। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे क्या फर्जी इससे वो जो सूट निकलता है, कलियां निकलती हैं, वो भी इसी से बनती हैं। हाँ, उसी से, इन्हीं टिश्यूओं से मिलकर के बनती हैं। सबसे पहले काम होता है एपिकल मेरिस्टेम का, कली के ऊपर टिप पर, जैसे मान लो कली होती है इस तरीके से, इसके यहाँ पर टिप पर कौन होगा, एपिकल टिश्यू, वो चोटी पाया था बिल्कुल, और बाद बाकी ये टिश्यू काम कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटर कैलरी जो होता है कॉज द ग्रोथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लीव्स एंड द ट्विग्स। तो नई पत्तियां और ट्विग्स जो हैं, टहनियां, इनकी वजह से बनती हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट स्टेम। इनका मुख्य काम होता है आपका लेटरल का, चौड़ाई बढ़ाना, प्लांट की जो चौड़ाई होती है वो इन्हीं की वजह से बढ़ती है। डायमीटर जो होता है प्लांट का, जैसे मान लो कि ये प्लांट का ट्रंक है, तना है, तो उसकी जो चौड़ाई है वो इसी की वजह से बढ़ेगी। किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से। अब आता है ऑल न्यू ऑर्गेन्स एंड देयर ग्रोथ अकर बाय डिवीजन ऑफ द दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ऑल न्यू ऑर्गेन है, जितने भी नए ऑर्गेन बनते हैं, ग्रोथ होती है, वो इसीलिए हो पाती है क्योंकि ये टिश्यू लगातार डिवीजन करके नए टिश्यूओं का निर्माण करते रहते हैं। अगर नए टिश्यू ना बने तो प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। ओके, अगला आता है सेकेंडरी जो टिश्यू होते हैं आपके, दूसरे लेवल के जो टिश्यू हैं जिनके बारे में अभी पढ़ाएंगे, फिलहाल समझ लीजिए, सेकेंडरी टिश्यू सच है, जैसे बुड एंड द कॉर्क, जो बुड है, कॉर्क है, ETC, आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाई द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम। ये भी किस्म बनते हैं, एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू जब डिवाइड होता है तभी इनका निर्माण होता है। अगला, कहने का मतलब ये है कि इन्हीं की वजह से आपका ये बुड और कॉर्क बन पाता है,
अब वुड कहाँ से आएगी, लकड़ी प्लांट के तने से ही तो आएगी, और प्लांट का तना कौन तैयार कर रहा है, यही तो तैयार कर रहे हैं मेरिस्टेम टिश्यू, है ना। प्लांट के तने को तैयार कौन कर रहा है, मेरिस्टेम टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू लंबाई बढ़ाता है। इधर आपका इंटरकैलेरी है, इंटरकैलेरी जो है आपका उसके बारे में बताया, वो क्या करता है, नई पत्तियां नई टहनियां बनाने का काम है। और दूसरा जो है आपका लेटरल, वो तने को चौड़ा करता है। तो कहने का मतलब है लकड़ी जो बनी, और कॉर्क जो होता है वो छाल से प्राप्त किया जाता है, प्लांट की छाल से ही बनता है कॉर्क। तो ये दोनों बनते किस वजह से ही, मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से ही बन पाते हैं लकड़ी और कॉर्क। अगला आता है एनी इंजुरी और द बॉन्ड्स, किसी भी तरह की, जैसे मान लो प्लांट की तने में इंजुरी आ जाती है, जैसे काट दिया या फिर मान लो किसी ने कुछ मार दिया तो वहाँ घाव सा हो जाता है, प्लांट के भी घाव होता है, आपको पता होना चाहिए प्लांट भी जीवित होते हैं। तो हमें जब जरूरत नहीं है तो हमें फालतू में उनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जीवित होते हैं। तो जीवित होते हैं तो दर्द उनके भी होता होगा, लेकिन हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हम प्लांट के प्रोडक्ट खाए बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हम प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो जब फल जैसे कायदे में तो ये होना चाहिए कि फल जैसे पक कर के गिर जाए तो फल ले लो, क्योंकि उसने अलग कर दिया प्लांट ने। तो और साथ में अब कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें हमें काटना ही पड़ता है, जैसे हरी सब्जियां वाले पौधे हैं उनको हमें काटना ही पड़ता है। तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा कम से कम हम प्लांट का नुकसान करें, क्योंकि प्लांट की वजह से ही हम लोग आज इस दुनिया में जीवित हैं। और हमारी जो दुनिया है वो लगातार प्लांट को ही सबसे पहले ख़त्म करती चली जा रही है, तो इसीलिए आज पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम थे यहाँ पर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम, तो ये तुम्हारे सेकेंडरी टिश्यू किसकी वजह से बनते हैं, एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम की वजह से बनते हैं। एनी इंजरी और बाउंड जो आती है इन द प्लांट ऑफ द बॉडी, एनी इंजरी और बाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की इंजरी आती है, आर क्यूर्ड, वो ठीक की जाती है एंड हेल्प्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्टेम की एक्टिविटी के द्वारा ही वो हेल्प होती है कि उसकी वो सही तरह पूरी तरह के ठीक हो सके। तो क्योर करने का भी काम किसका है, सही करने का, बाउंड जो घाव बन गया प्लांट की बॉडी के अंदर वो सही करने का काम भी आपका मेरिस्टेम टिश्यू का ही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग, हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो मेरिस्टेम जो टिश्यू था उसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, इस वीडियो के अंदर भी कुछ मैंने पार्ट उसका पढ़ाया हुआ है और बाकी पीछे वीडियो पढ़ रखी हैं, पहले से डाल रखी है मैंने, उन वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। टिश्यू चैप्टर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट तैयार की है, उसमें सारी की सारी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज हैं, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि प्लेलिस्ट है तो नीचे वीडियो आ रही होंगी, अगर आप नीचे जाके चेक करेंगे तो मिल जाएंगी आपको वीडियो। तो फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं अब किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो इस वीडियो में अब हम शुरुआत कर देते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने के लिए। तो परमानेंट टिश्यू है क्या आखिर, परमानेंट टिश्यू आर दो टिश्यू, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू हैं इन विच द ग्रोथ एंड द डिवीजन कैपेसिटी हैज बीन स्टॉप्ड, जिनमें क्या होता है कि डिवीजन जो कैपेसिटी होती है, डिवीजन मतलब विभाजित होने की जो क्षमता होती है, और आपका जो ग्रोथ होने की क्षमता है, बड़े होने की जो क्षमता है, ग्रोइंग कैपेसिटी जो है पूरी तरीके से स्टॉप्ड हो जाती है अथवा टेम्परली स्टॉप्ड हो जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या चीज खो देते हैं, बोलो। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो बढ़ने की कैपेसिटी, विभाजित होने की कैपेसिटी, डिवीजन होने की कैपेसिटी, ग्रोथ होने की कैपेसिटी, ग्रो होने की कैपेसिटी खो देते हैं। टेम्परली खोते हैं या तो वो, या टेम्परली का मतलब अस्थायी रूप से खोते हैं, या परमानेंट या हमेशा के लिए खो देते हैं। तो यही वजह है कि ये जो टिश्यू हैं इन्हें पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ग्रोथ से इन्हें इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, क्योंकि ये बढ़ने में, पौधे की ग्रोथ में इनका ज़्यादा योगदान नहीं होता है। फिलहाल हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप द परमानेंट शेप, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप एंड द साइज ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन बाय द सेल इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन क्या है, अब मान लो कि यहाँ से परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू जैसे बनेंगे तो उनकी जो बनने की प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि शेप और साइज जो होती है वो किसी एक विशेष फंक्शन के लिए, मान लो पहले शेप और साइज है वो निश्चित हो गई, और फिर वो एक विशेष फंक्शन करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन ही करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करना इनके लिए नहीं होता है, सिर्फ एक
एक या दो जितने भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती उतने ही फंक्शन ये करते, तो एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए ये पूरी तरीके से स्थिर हो जाते हैं, पार्टिकुलर फंक्शन के लिए ही पूरी तरीके से नियुक्त हो जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि उनको शेप और साइज का परमानेंट हो जाना, वो क्या कहलाता है? डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। डिफ्रेंसिएशन कॉज द स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल, और इसी की वजह से ही, डिफ्रेंसिएशन की वजह से स्पेशलाइजेशन होता है सेल का, क्योंकि सेलों के अंदर अगर मान लो कि सेलों के अंदर अगर डिफ्रेंसिएशन ना आए, डिफ्रेंसिएशन का मतलब ऐसे आपको समझा दूं, जैसे मान लो कि ये सेल है हमारी हाथ के अंदर, उनका डिफ्रेंसिएशन इस तरह से है, उनको इस तरह से बॉडी में ही बट गई हैं, इस तरह से बॉडी के अंदर ही अलग हो गई हैं कि वो सुनने का काम नहीं कर सकती, वो खाने का काम नहीं कर सकती, वो पीने का काम नहीं कर सकती। तो इस तरीके से यहाँ पर सेलों के अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन है, भेदभाव है, अलगीकरण है, मतलब अलग अलग हो गई हैं। तो जो भेदभाव है इनके अंदर जो अंतर है वही डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। तो डिफ्रेंसिएशन की वजह से स्पेशलाइजेशन आता है, स्पेशलाइजेशन एक विशेष फंक्शन के लिए, पार्टिकुलर फंक्शन के लिए अपॉइंट हो जाती हैं सेलें। अगला, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परमानेंट टिश्यू, महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट टिश्यू की वो हमने यहाँ पर लिख रखी है, उनकी विशेषताएं, परमानेंट टिश्यू के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दीज टिश्यू मे बी द लिविंग और द डेड, दरअसल क्या होते हैं ये टिश्यू दो तरह के होते हैं, या तो जीवित होते हैं अथवा ये मरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रख लीजिए, ये दो तरह के होते हैं परमानेंट टिश्यू, जीवित अथवा मरे हुए। मेरिस्टेम जो टिश्यू मैंने पढ़ाए थे वो सिर्फ जीवित होते हैं। दीज मे बी द थिन और द थिक, या तो ये थिन वॉल्ड होते हैं या थिक वॉल्ड होते हैं, या तो पतली वाल होती है इनकी या फिर मोटी होती है। द थिन वॉल्ड टिश्यू आर यूजली लिविंग, जो थिन वॉल्ड वाले होते हैं, पतली वॉल्ड वाले होते हैं, ज्यादातर वो जीवित होते हैं। वाइल दोज विद द थिक वॉल्ड, जो कि जिनकी मोटी वॉल्ड होती है, आर यूजली डेड, आर यूजली डेड, वो ज्यादातर कैसे होते हैं, डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं। द सेल हैव अ फिक्स्ड शेप, थोड़ा ये और समझ लीजिए, सेल की एक क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है। द लिविंग सेल हैव द नो और वेरी पुअर डिवीजन कैपेसिटी, अब जो लिविंग सेल है मान लो भी जीवित हैं, तो उनके अंदर बहुत ही कम, नो के बराबर अथवा बहुत कम डिवीजन कैपेसिटी होती है। अगला, इंटरसेलुलर स्पेस आर ऑफन द प्रेजेंट, अब क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इनके बीच में खाली जगह रह जाती है। कहने का मतलब है जैसे दो हार्ड बॉल अगर हम पाफ पाफ रखें तो हम कितना भी उन्हें नज़दीक लाने की कोशिश करें पर उनकी एक फिक्स्ड शेप की वजह से इनके बीच में खाली जगह रह जाएगी, ठीक है। तो इनकी हार्डनेस की वजह से, इनकी कठोरता की वजह से इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है अंतर कोशिकीय जगह, अंतर कोश की जगह जो होती है, कोश के अंदर जो जगह, कोशिकाओं के अंदर जो जगह पाई जाती है, कोशिकाओं जैसे दो तीन कोशिकाएं आपस में जुड़े तो उनके बीच में पाई जाने वाली जगह होती है, जो स्पेस होता है उसको हम पढ़ते हैं इंटरसेलुलर स्पेस पढ़ते हैं, वो ज्यादातर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा, अब देखते हैं इसके कुछ बड़ मीनिंग। आई थिंक दे कैन बॉदर यू, वो तुम्हें परेशान कर सकते, तो उन बड़ मीनिंग को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। बड़ मीनिंग्स जो आपको मतलब परेशान कर सकते हैं, परमानेंट का मतलब होता है स्थाई, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, स्टॉप्ड मतलब होता है रुक जाती है, टेम्परली का मतलब होता है अस्थाई, परमानेंट का मतलब होता है स्थाई, परमानेंट का मतलब होता है स्थाई। स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, फंक्शन मतलब होता है कार्य। अच्छा, कॉज मतलब होता है कॉजेज, मतलब कारण। डिफरेंशिएशन पता ही है आपको, विभेदीकरण, विभेदीकरण ये लिखा है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है विभेदीकरण। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विशेषीकरण। करेक्टर्स का मतलब होता है विशेषता, मे बी का मतलब होता है हो सकते हैं, वाइल मतलब होता है जबकि, यूजली मतलब होता है आमतौर पर, यूजली मतलब क्या होता है, यूजली मीन्स का मतलब होता है, यूजली मीन्स आमतौर पर, यूजली का मतलब होता है आमतौर पर। तो ये आपके बड़े मीनिंग थे जो मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिए। परमानेंट का मतलब हो गया स्थाई, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि।
अब और भी जो मीनिंग है जो आपको परेशान करे, थिक का मतलब होता है मोटा, तो वो आप डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं। थिन का मतलब होता है पतला, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने वर्ड मीनिंग जो आपको मुझे लगा कि परेशान कर रहेंगे या आपको दिक्कत आ सकती है वो मैंने लिख दिए। और भी कोई वर्ड मीनिंग अगर आपको पास परेशान करता है तो आपके पास मोबाइल है, उसके डिक्शनरी में जाइए और वर्ड मीनिंग को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो।